घंटे 24 घंटे में 19,500 आए थे। सो अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है, लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से 83 होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी, उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1,800 बेड जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड। इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000, अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया, आईसीयू बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला, ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है, कई सारी एनजीओज जो हैं वो बहुत मदद कर रही है, कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज कई मदद कर रही है, धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। शुक्रिया।